एमपी ने इतिहास रच दिया। देश के सबसे बड़े घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को एमपी के लड़कों ने अपने नाम कर लिया है। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार ये खिताब जीत लिया है। टीम एमपी की जीत के बाद पूरे राज्य में उत्सव का माहौल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विजेता टीम को बधाई दी है। गदगद और प्रसन्न है, भाव विभोर है। मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। पहली बार कई बार की विजेता मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है। मैं टीम के कोच श्री चंद्रकांत पंडित जी को, टीम के कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव जी को और उनके साथ पूरी टीम को, क्योंकि जीती है तो टीम जीती है, हृदय से बधाई देता हूं। उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और केवल बधाई यहां सीमित नहीं रहेगी, पूरी क्रिकेट टीम का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भव्य स्वागत किया जाएगा, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। क्रिकेट का एक नया इतिहास रचने वाले हमारे क्रिकेट वीर रणवांकरे, उनका भव्य स्वागत होगा। मैच के आखिरी दिन मुंबई की दूसरी पारी 269 रन के स्कोर पर सिमट गई। इस तरह एमपी को जीत के लिए 108 रन का टारगेट मिला, जिसे उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में मुंबई ने 374 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 536 रन बनाते हुए 162 रन की बढ़त हासिल की थी। पहली पारी में यश दुबे, शुभम शर्मा और रजत पाटीदार की शतकी पारियों की बदौलत टीम एमपी को ये इतिहास रचने का मौका मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।